आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च की डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ अ रिसर्च, द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट एंड रीच न्यू कंक्लूजन। एक सिस्टमैटिक स्टडी है, इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी हेल्प से हम नए फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं और न्यू कंक्लूजन, नया नतीजा निकालते हैं। तमाम मटेरियल को यूज करते हुए, हमारे पास जो भी सोर्सेज होते हैं यूटिलाइज करते हुए हम एक नया कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज परफॉर्मिंग अ मेथोडोलॉजिकल स्टडी इन ऑर्डर टू प्रूव हाइपोथेसिस और आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर हम इसको साइंटिफिक वे में डिफाइन करें, एक प्रॉपर रिसर्च की डेफिनेशन को लेकर चलें, तो ये समझ में आता है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी मेथोडोलॉजिकल स्टडी है कि जिसका पर्पस हाइपोथेसिस को प्रूव करना है, या एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में है, जो आपने रिसर्च डिजाइन करते हुए क्वेश्चन फ्रेम किया था उसका आंसर फाइंड आउट करना है। जरूरी नहीं है कि जो हाइपोथेसिस आपने फ्रेम किया वो प्रूव हो, वो प्रूव भी हो जाता है, चाहे वो रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो। बहरहाल रिसर्च का पर्पस जो है उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है और रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस एम्प्लॉयड टू इंक्रीज और रिवाइज करंट नॉलेज बाय डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। अब इस सिस्टमैटिक वे में ये जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, ये आपको हेल्प आउट करती है नॉलेज को एक्सटेंड करने में। जो करंट आपका नॉलेज है या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्सटेंड करने में, उसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं और उसमें नई चीजों को ऐड भी किया जा सकता है। न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करते हुए नॉलेज एक्सपेंड होता चला जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज हाईली रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल लाइफ जनरली एंड टू द डिसीजन वी मेक ईच डे। अब रिसर्च जो है वो हमारी लाइफ से बहुत रिलेट करती है, सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलती है, और इसके अलावा वो डिसीजन जो हम डेली लाइफ में करते हैं उन्हें करने में भी हमें हेल्प मिलती है। रिसर्च इन सोशल साइंस इज परवेसिव एंड इट इफेक्ट्स आवर डेली लाइफ एज वेल एज दैट ऑफ आवर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड कोवर्कर्स। ये सोशल साइंसेज की जो रिसर्च है वो हमारी डेली लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमसे बहुत सारे लोगों से हम एसोसिएट करते हैं, जैसे हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, और हम इनके साथ किस तरह रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे हेल्दी बनाए जाते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें सोशल साइंस रिसर्च से मिलती है। दस देयर इज लिटिल डाउट अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड सेंट्रलिटी सोशल साइंस रिसर्च। इससे सोशल साइंस रिसर्च की जो एक सिग्निफिकेंस है, जो इसकी एक सेंट्रल पोजीशन है, इस पर किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है और इसे आप बगैर डाउट के इसकी इंपॉर्टेंस को कंसीडर कर सकते। We use the knowledge and principles of social science research directly or indirectly as we engage in relationship with family, friends, co-workers, participate in community life or public policy and make daily decisions in business, professional life and healthcare. अब हमारी जो एक life है उसमें चूंकि बहुत सारे लोग involved हैं, हमने उनके साथ relation बनाने होते हैं, healthy relationship बनाने होते हैं, conflict को resolve करना होता है, हमने अपने living learning environment को बड़ा productive बनाना होता है और positive बनाना होता है, हमारी कम्युनिटी है जिसमें हमने पार्टिसिपेट करना होता है, खुशी गम के मौके होते हैं, इसी तरह पॉलिसी फ्रेमिंग है, उससे रिलेटेड काम करना होता है, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, हमारे कैरियर है उससे रिलेटेड हमें डिसीजन लेने हैं, इसी तरह हेल्थ केयर सेटिंग में बहुत से डिसीजंस होते हैं। आप समझ लें कि जैसे अगर कोई पेशेंट है तो पेशेंट को आपने असेस करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, आपने किसी डिजीज की प्रिवेंशन पे काम करना है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं, इन एक्टिविटीज को हमने कैसे करना है और कितना अच्छा करना है, हम कैसे हम इसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, और हमें सोसाइटी में कौन सा प्रॉब्लम जो है वो प्रीवेल कर रहा है, हमने किसी इशू को किस तरह रिजॉल्व करना है, इसके लिए हमें ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए होता है, हमें फैक्ट्स को देखते हुए डिसीजन लेने होते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रिसर्च से मिलती है। इसलिए रिसर्च सोशल साइंसेज रिसर्च है, उससे हमें जो नॉलेज मिलता है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं हम उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सोशल रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इन विच वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स। ये समझ ले कि सोशल साइंस रिसर्च जो है बेसिकली एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है। डिस्कवरी आप नई नई चीजों को फाइंड आउट करते हैं, नई नई चीजों को, नए नए मामलात आपके सामने आते हैं, आपके जहन में क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर फाइंड आउट
आउट किया, फिर एक और क्वेश्चन होता है, फिर आप उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। नई चीजें जो आपके सामने आती हैं उनको आप जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं और उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च इज सेंट्रल इन आर रियलिटी बेस्ड कम्युनिटी, इसीलिए रिसर्च की जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन है, क्योंकि रियलिटी बेस्ड काम करती है, ये रियलिटी से रिलेट करती है। इट रिलाइज ऑन पीपल केयरफुली स्टडिंग एक्सपीरियंसेस इवेंट्स एंड फैक्ट्स इन सोशल रियलिटी, और ये उन लोगों पर डिपेंड करती है जो केयरफुली, यहाँ पे लोगों से मुराद ये कि साइंटिस्ट की बात हो रही है, कि जो केयरफुली एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इवेंट्स को एग्जामिन करते हैं और सोशल रियलिटी से रिलेटेड जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो रेजेस न्यू क्वेश्चंस एंड मे चेंज हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड एज वेल, बहुत से क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और आपको दुनिया को देखने के तरीके कार में भी चेंज आता है। आपके माइंड में क्वेश्चन है, जब आपने उसका आंसर फाइंड आउट किया तो एक नए एंगल से आप सिचुएशन को परसीव करते हैं, एक नए एंगल से आप किसी पर्सन को देखते हैं, आप दुनिया को एक नए व्यू के साथ देखते हैं। इट रिलाइज ऑन द प्रोसेस एंड एविडेंस ऑफ साइंस एंड इट कैन डिफर फ्रॉम कैजुअल observation, common sense reasoning and other ways to evaluate evidence including pure logical rational reasoning or legal judicial procedure. अब ये एक ऐसा process है जो evidence based होता है, ये evidences की दुनिया की बात कर रहे हैं। research जो है इसका ताल्लुक ही evidence की दुनिया से होता है, इसीलिए यहाँ पर जो evidences हैं और ये जो process है, जो steps इसमें लिए जाएंगे, वो general जो एक observation है, casual observation है जो आप daily life में करते हैं, उससे different होती है। daily life में तो आप common सेंस अप्रोच भी यूज करते हैं, रीजन आउट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको लेते हुए कॉमन सेंस अप्रोच का यूज करते हुए, लेकिन ये उससे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर इसके इवेल्युएशन का तरीका भी डिफरेंट होता है। जो एविडेंसेस इसके पास आते हैं उन एविडेंसेस को इवेल्युएट भी किया जाता है, जिसमें प्योर लॉजिकल रैशनल रीजनिंग भी आप कह लें या चाहे वो लीगल जुडिशियल कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व है। Research requires persistence, personal integrity, tolerance for ambiguity, interaction with others and pride in doing top quality work. Researcher हमेशा एक top quality का काम करने में खुश रहता है, वो एक अच्छा महसूस करता है, ख्वाहिश करता है कि वो top quality का काम करे। अब top quality की research करने के लिए जरूरी है कि एक researcher जो है वो consistency के साथ और persistence उसके effort के साथ वो काम करे, उसकी अपनी personality में integrity होनी चाहिए, उसकी feelings, thoughts, emotions में integration होनी चाहिए, उसकी जात बिखरी भी नहीं होनी चाहिए, वरना वो उस तरह रिसर्च पर काम नहीं कर सकता। इसी तरह उसके अंदर इतनी टॉलरेंस हो कि कोई एम्बिग्युइटी और कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही जो अभी क्लियर नहीं है, तो उस सिचुएशन को वो किस तरह टॉलरेट करेगा, लोगों के साथ कैसे रिलेट करेगा, ताकि वो एक अच्छा काम, एक क्वालिटी का रिसर्च वर्क जो है वो सामने लेकर आ सके। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लॉजिकल थिंकिंग, केयरफुली फॉलोइंग रूल्स एंड रिपीटिंग स्टेप्स ओवर एंड अगेन। इसके लिए जरूरी है कि रिसर्चर जो है वो लॉजिक्स को यूज करता हो, उसकी थिंकिंग जो है वो एक आम थिंकिंग उसकी नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, वैलिड चीजों को देखे, फैक्ट्स को देखे, केयरफुली तमाम रूल्स को फॉलो भी करे और रिसर्च में कुछ स्टेप्स जो हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो उनको वो केयरफुली उसने कब कहाँ कौन सा स्टेप जो है वो रिपीट करना है वो भी उससे भी वो फुली अवेयर होना चाहिए। इन द रिसर्च प्रोसेस वी ज्वाइन थ्योरीज और आइडियाज विद फैक्ट्स इन सिस्टमैटिक वे, और रिसर्च प्रोसेस में थ्योरीज और आइडियाज को बड़े सिस्टमैटिक वे में फैक्ट्स जो सामने आ रहे हो तो उनके साथ रिलेट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, ताकि आप एक प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। वी ऑल्सो यूज आर क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइज एंड प्लान द थिंग्स, और इसी तरह इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। रिसर्चर जितना क्रिएटिव होगा उसका काम ना ही क्वालिटी का होगा और उसमें नई चीजों को सामने लाने में उसे आसानी होगी। इसी तरह काम को ऑर्गेनाइज करना और सिस्टमैटिक वे में लेके चलना और एक प्रॉपर प्लान जो रिसर्चर ने बनाया उसको फॉलो करना भी जरूरी होता है। There are four basic concepts in research. Number one, population. A population is the entire set of individual of interest to a researcher. एक entire set of individual है, एक group है जिसको आप study करना चाहते हैं, जिसमें आप interest show करते हैं, और वो पूरे का पूरा जो group होगा वो researcher की population होगी। A population is sometimes called a target population, और इसे कभी कभी target population भी कहा जा सकता है। क्या researcher जिस population को, जिस group को target करना चाहता है वो उसकी टारगेट पॉपुलेशन होती है। दिस टारगेट पॉपुलेशन इज डिफाइंड बाय द रिसर्च स्पेसिफिक इंटरेस्ट, लेकिन ये जो पॉपुलेशन होगी, ये जो टारगेट पॉपुलेशन भी है, ये रिसर्चर के इंटरेस्ट से रिलेट करती होगी। जो रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट होगा वो जिस चीज को स्टडी करना चाहता है, जिस एंगल से स्टडी करना चाहता है, उसकी पॉपुलेशन भी उसी एंगल से डिफाइन की जाएगी।
Target population not easily available, so many times researchers select the sample from accessible population. इससे target population जो है वो अगर easily available नहीं होती तो जो accessible population जिसके access में होती है उस population से researcher sample जो है वो select करता है. Number 2, sampling frame. Researcher need to develop a specific list of the members of population in order to select a subset of that population. अब पूरी population या जो पूरा जो group है उसको तो researcher नहीं लेता है, लेकिन researcher ने उसमें से ही एक subset draw करना होता है उस population का, जिसे हम sample कहते हैं. लेकिन उस sample को लेने से पहले भी उसे sampling frame determine करना होता है. और sampling frame क्या है? Basically list of मेंबर्स हैं, वो तमाम लोगों की लिस्ट जो उस पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, वो सैंपलिंग फ्रेम होता है. दिस स्पेसिफिक लिस्ट इज कॉल्ड सैंपलिंग फ्रेम. और वो जो लिस्ट प्रिपेयर करेगा रिसर्चर, वो उसका सैंपलिंग फ्रेम होगा. फॉर एग्जांपल, लिस्ट ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स. अगर रिसर्चर जो है उसकी पॉपुलेशन स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, तो वो जितने स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो सब उस लिस्ट में इंक्लूडेड होंगे जो सैंपलिंग फ्रेम होगा. या इसी तरह लिस्ट ऑफ नर्सेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल. और अगर रिसर्चर जो है उसकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो नर्सेस हैं जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में वर्क कर रही हैं, तो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जितनी नर्सेस काम कर रही हैं वो सब उस लिस्ट में इंक्लूडेड होंगी जो रिसर्चर का सैंपलिंग फ्रेम होगा. नंबर 3, सैंपल. द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द सैंपलिंग फ्रेम इज कॉल्ड द सैंपल. अब सैंपल क्या है? दैट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन एक एंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल था कि जिन्हें रिसर्चर चाहता था कि वो उन्हें स्टडी करे, ख्वाहिश रखता है कि उन्हें स्टडी करे. अब उन्हीं में से एक सेट जो है वो रिसर्चर ने सिलेक्ट किया, जो उसका सबसेट है. उन्हीं में से कुछ लोगों को रिसर्चर लेकर उन्हें स्टडी करता है, उनसे डाटा कलेक्ट करता है, तो वो उसका सैंपल होगा. अब ये सैंपल जो है डायरेक्टली जो है इस पॉपुलेशन से ड्रॉ नहीं किया जाता, बल्कि सैंपलिंग फ्रेम में से लिया जाता है. अभी जो सैंपल है ये डायरेक्टली पॉपुलेशन से लेने के बजाय रिसर्चर ने जो सैंपलिंग फ्रेम प्रिपेयर किया होगा, जो लिस्ट प्रिपेयर की होगी जिसमें वो तमाम इंडिविजुअल इंक्लूडेड हैं जो उस पॉपुलेशन का पार्ट थे, तो वो उस सैंपलिंग फ्रेम में से अपना सैंपल ड्रॉ करेगा. सैंपल इज यूजुअली इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इन अ रिसर्च स्टडी. और वो जो सैंपल होगा वो लोग जो स्पेसिफिक ग्रुप होगा वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी उसकी वो करेक्टरिस्टिक्स वही होंगी जो उस पूरी पॉपुलेशन की होंगी. नंबर 4, एलिमेंट. ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एलिमेंट. अब उस सैंपलिंग फ्रेम में पॉपुलेशन में जितने भी लोग होंगे वो हर मेंबर जो है वो एलिमेंट कहलाएगा. यानी जो नर्सिस की जो लिस्ट है उसमें हर नर्स जो होगी वो एलिमेंट होगी. जैसे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्या रिसर्चर वांट्स टू एग्जामिन द मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. अब एक रिसर्चर जो है वो ख्वाहिश करता है कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हेल्थ मेंटल हेल्थ स्टेटस को एग्जामिन करे. ही शी नीड्स टू डिटरमिन. तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पॉपुलेशन डिसाइड करना पड़ेगा, डिटरमिन करना पड़ेगा कि उसकी पॉपुलेशन क्या है. उसकी पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये इसमें वो तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं जिनको रिसर्चर जो है वो इंटरेस्ट रखता है कि वो इन्हें स्टडी करें, इनके हेल्थ स्टेटस को एग्जामिन करें. सैंपलिंग फ्रेम लिस्ट ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. वो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एनरोल्ड हैं, और ये रिसर्चर का सैंपलिंग फ्रेम होगा. सैंपल नंबर केसेस ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट. अब वो जो सैंपलिंग फ्रेम है उसमें से रिसर्चर जो है उसने सिस्टमैटिकली एक सैंपल ड्रॉ किया, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जिसे आप कहते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जितने केसेस वो उसमें से सैंपलिंग फ्रेम में से लेगा, जो लिस्ट उसके पास मौजूद होगी वो उसका सैंपल होगा. एलिमेंट एवरी स्टूडेंट इंक्लूडेड इन द लिस्ट. अब लिस्ट में जितने स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं, जितने नाम इंक्लूडेड हैं, चाहे वो उन्होंने सिलेक्ट किया या नहीं किया, वो उस एलिमेंट होगा.